फ्रेंड्स, हियर इज रोमा अगेन टू प्रेजेंट यू अ न्यू एपिसोड ऑफ धमाल नंबर वन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने हर एपिसोड में आपको नई नई जानकारी देते हैं, तो इस बार हम आपको बताते हैं कि एक ऐसे महान कॉमेडियन थे जिनका कि पर्दे पर यानी कि फिल्मी पर्दे पर हीरो से पहले नाम आता था। क्या आपको पता है वो कौन है? नहीं ना, हम आपको बताते हैं। ऐसे महान कॉमेडियन का नाम था गोप साहब। जब कॉमेडी की बात ही शुरू हुई है तो देखते हैं अपना ये कॉमेडी भरा आइटम। अरे लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो और टैक्सी वाले क्या भाई, दादर चलोगे? क्यों, मिठाई बट रही है क्या वहाँ? अरे यार, कैसी बातें कर रहे हो यार? कैसी बातें क्या कर रहा हूँ, जैसा तुमने पूछा वैसे जवाब दे दिया मैंने। अब बोलो, अब कहाँ जाना? अरे अभी तो बताया था। क्या दोबारा बता दोगे तो क्या डबल फीस ले लूँगा? दादर चलोगे? दादर मेरे को तो नहीं जाना, तुमको जाना तो जा, हो जाओ। यार कैसा आदमी यार, टाइम खराब करता है। अरे पहले बताता तो अब तक तो मैं पैदल चला जाता। तो पैदल ही जाना तो टैक्सी वाले से क्यों पूछ रहे हो? अबे सीधा निकल लो, पैसे हैं नहीं जेब में, भाड़े की बात करता। क्या है, दादर जाने को अपन जा सकता है, लेकिन मेरी बीवी यहीं पास में भी है, अभी आधे घंटे में आती होगी, मैं तो उसका वेट कर रहा मतलब बता दे। अबे क्या पटाखा चीज़ रही है यार। और टैक्सी वाले, दादा चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन भाड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा। एक्स्ट्रा लगेगा, वो क्यों? वो क्या है कि इस टैक्सी में बड़े बड़े फिल्म स्टार बैठ चुके हैं। अच्छा, कौन कौन से? लो लो। अरे कुछ मांग कह रही, देना नहीं है कुछ, मेरा मतलब लो लो, वो करिश्मा कपूर। एक बार आ गई, बोलिए राजा हिंदुस्तानी, हमको ले चलोगे? हमने कहा ले चलेंगे, कहाँ चलना है? बोली दिल तो पागल है, कहीं भी ले चलो। हमने कहा लल्ले नहीं, मामला गड़बड़ है, कहीं भी ले चलो मतलब? अरे पैसा बड़ा है कि नहीं? बोलिए तुम तो अनाड़ी हो, तुमको प्रेम कैदी बनाएंगे। मैंने कहा इसका इरादा ठीक नहीं। मैंने नीचे उतार दिया उसको टैक्सी से और 1000 रुपया भाड़ा ले लिया और साथ में कह दिया, परदेसी परदेसी, वापस इस टैक्सी में बैठना नहीं। अच्छा, उसके बाद कौन सा स्टार बैठा? फिर एक बार देखा कि मनीषा कोइराला आके मेरी टैक्सी में बैठ गई, बोलने लगी चलो। मैंने चलो यार चलो, अभी खामखा इतना सवाल नहीं पूछने का, चल पड़ा। तो फिर थोड़ा आगे गया, मैंने कहा पूछ तो लूं, मैंने कहा मैडम किधर जाना है? तो यूं सिर हिलाने लगी। मैं कहा गुस्से में यार, पूछने का नहीं, अभी चल रहा हूँ तो चलते रहो। फिर थोड़ा आगे गया, मैं कहा टैक्सी भाड़ा, अबे पेट्रोल तो मेरे खर्च हो रहा है, मैं कहा पूछूं मनीषा जी किधर जाना है? फिर यूं सिर हिलाने लगी। मैंने कहा क्या ये ना 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 करती जा रही हैं आप, अरे बताइए किधर जाना है? इतने में देखा कि इम्पोर्टेड गाड़ी आके सामने से रुकी और उसमें वो निकला, वो क्या दाढ़ी वाला, क्या नाम है उसका, वो ना 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 वो निकला। अरे मैंने कहा तुम इसको कहाँ लेके जाओगे भाई टैक्सी में? अरे तुम्हारे पास दाढ़ी कटवाने को तो पैसा नहीं है, टैक्सी भाड़ा कहाँ से दोगे? बोला ए, देखा तो उसको इतना गुस्सा आ गया जैसे परिंदा का अंडा बन गया हो। बोलने लगा ये ज्यादा जास्ती बात नहीं करने का, ये तो तेरी टैक्सी में आग लगा देगा। अरे मैं तो वही मनीषा को छोड़ा और भागा टैक्सी लेके। पहली बार किसी फिल्म स्टार से मैंने टैक्सी भाड़ा भी नहीं लिया। अच्छा, उसके बाद कौन? उसके बाद बैठा गुलशन ग्रोवर। हाँ बोला बस घुमाते रहे, मेरा क्या जाता है। मैं घुमाने लगा, शीशे में पीछे क्या देखता हूँ, कभी दाढ़ी लगा रहा, कभी मूछ लगा रहा, कभी बाल लगा रहा, कभी पूछ लगा रहा। मैं कही क्या कर रहा है भाई? बोला ए चुप, तुम गाड़ी चलाओ। मैं कहा नहीं, लेकिन ये कर क्या रहे हो? बोला क्या है, आज बम्बई में मैं खुला घूमना चाहता हूँ, इसलिए अलग अलग दाढ़ी मूछ लगा रहा हूँ। अरे मैंने कहा घूमने चाहता है तो घूमना। बोला नहीं, मुझे लोग पहचान लेते हैं। तो मैंने कहा ये तो गलती कर रहा है भाई। बोला क्या? मैं कहा दाढ़ी मूछ लगाएगा तो लोग पहचान लेंगे, बिना मूछ दाढ़ी के घूम कोई नहीं पहचानेगा। बोला तुमको मालूम नहीं है मैं कुत्ता हूँ, कुत्ता, मैं अलग अलग डायलॉग बोलता हूँ, अलग अलग गटर लगाता हूँ। अरे मैंने कहा यार ये आदमी कुत्ता है तो इसने पहले क्यों नहीं बोला? अरे मैं इतनी दूर से गांव से टैक्सी चलाने आया हूँ तो क्या कुत्ते के लिए चलाने आया हूँ? अबे मुझे गांव वाले क्या बोलेंगे? मैंने उसको नीचे उतारा, 2000 रुपये भाड़ा लिया और नमस्ते करके निकल लिया। अच्छा, आप कितना कमा लेते हैं दिन में? अब कमाना कहाँ है, वो तुम्हारे सामने सीखी थोड़ी भगा रहेंगे। हाँ। सही बात तो ये है कि 2-3 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। अच्छा, 2-3 हज़ार कमा लेते हो? हाँ। आपकी शादी हो गई है? शादी? हाँ। नहीं, वो बहुत सी हीरोइन ही हमारे पीछे लगी हुई है, अभी घास नहीं डाल रहे हम किसी को। अच्छा। अबे ये लल्लन कल्लन कहाँ से चले आ रहे हैं अकेले? ये लल्लन कल्लन कौन है? अबे
ये हमारे बेटे हैं, मगर इनकी अम्मा साथ में गई थी। कहाँ गया? अबे अम्मा कहाँ है? इनकी अम्मा बाहर पीछे बैठी है। पीछे बैठी है? हमारे पीछे तो तुम ये क्या पहनी आई? अबे हीरोइनी के कपड़े पहन कर आए हैं। हीरोइनी के कपड़े? कमाते हजारों हो और हमारे हाथ में 100 रुपए थमाते हो? अच्छा तुम लोगों को भगाते हो ना, आज हम त्योहार को भगाएंगे। कैसे कैसे? अभी दिखाते हैं। भाग मेरे साथ।